जय हिंद सभी को। डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आदित्य एल1 मिशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि भाई ये होता क्या है और इसका टारगेट क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 2 सितंबर 2023 यानी कि आज ही के दिन जो है इसरो द्वारा इसको मतलब लॉन्च किया गया आदित्य एल1 मिशन, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये होता क्या है, स्टडी ग्रहों की करेगा या उपग्रह की करेगा या सूर्य की करेगा, तो इसमें जो है हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक इसमें बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये आदित्य एल1 मतलब इसका नाम किस बेस पर रखा गया। तो आदित्य एल1, आदित्य मतलब संस्कृत भाषा में होता सूर्य, और एल1 क्या होता है, एल1 एक पॉइंट है जहां पर कोई भी वस्तु यदि रखी जाती है तो वहां पर स्थिर अवस्था में होती है ना। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट है अंतरिक्ष में, एल1 L2 L3 L4 L5 ऐसे 5 पॉइंट है जहां पर कोई भी वस्तु रखी जाती है तो वो स्थिर अवस्था में होती है। तो इसीलिए कि ऐसा पॉइंट लिया गया जहां पर मतलब उस रॉकेट को वहां पर भेजा जाएगा, तो जहां पर जो है वो स्थिर रहेगा और सूर्य के बारे में जानकारी देगा किसको, इसरो को या फिर भारत तक मतलब पहुंचाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसरो नेक्स्ट मिशन टू द सन है ना। मतलब एक इसरो द्वारा भेजा गया एक मिशन है जो कि इसका नाम क्या है, आदित्य एल1। अब ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कब से ये मतलब इस पे काम चल रहा था वो भी हम लोग देख लेते हैं इसमें, है ना। तो ये कब की बात है, आदित्य एल1 मिशन एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए होता मतलब है, ना इसका टारगेट क्या रहेगा, सूर्य का अध्ययन करना। और यह जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के लिए सलाहकार समिति द्वारा अवधारणा किया गया था, मतलब उस समय इसको सोचा गया था। और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठन मतलब इसरो और अलग अलग जो भारत के संगठन थे उनके बीच सहयोग से इसको डिजाइन किया और बनाया गया है। और यह जनवरी 2023 के आसपास इसको मतलब लॉन्च किया जाना था, बट किन्हीं कारणों से लेट हो गया जो कि सितंबर में इसको लॉन्च किया गया है ना। और यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा, मतलब भारत द्वारा भेजा गया या इसरो द्वारा भेजा गया यह पहला एक अंतरिक्ष मिशन होगा जो सूर्य को रिसर्च करेगा या सूर्य के का अध्ययन करेगा। ठीक, और पहला लैग्रेंज बिंदु, L1 मतलब क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट है या लैग्रेंज पॉइंट बोल सकते हैं, लैग्रेंज बिंदु बोल दो उसको, दोनों एक ही होता है। ठीक, पर स्थापित होने वाला भारतीय मिशन भी होगा, पहला ऐसा मतलब मिशन है जो कि L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा इसरो द्वारा। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, लैग्रेंज पॉइंट या फिर लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। ठीक, और आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में लगभग 128 दिन है ना, लगभग एक मतलब 4 महीने अपन बोल सकते हैं, तो उतना टाइम उसको वहां तक पहुंचने में लगेगा। आदित्य L1 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक सूर्य मिशन है ना, एक सूर्य पर भेजा जाने वाला एक मिशन है। ठीक, पर ये सूर्य पर नहीं जाएगा, ये कुछ दूर तक जाएगा जहां पे L1 पॉइंट होता है और वहां से जो है सूर्य की स्टडी करेगा। ठीक, यह मिशन सूर्य के वायुमंडल और कोरोना का अध्ययन करेगा, उसका वायुमंडल, उसका एटमॉस्फेयर और कोरोना जो कि बाहर का जीव मतलब बाहर की जो परत होती है उसका अध्ययन करेगा, ताकि हम सूर्य की गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सके, मतलब उसकी एक्टिविटीज क्या है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे। आदित्य L1 यदि सफलतापूर्वक वहां तक पहुंचता है तब सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह हमारे ग्रहों और अन्य पिंडों को ऊर्जा प्रकाश प्रदान करता है, मतलब जितने भी सारे प्लेनेट सबको जो है सूर्य ही ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की गतिविधि जैसे कि सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास है ना इजेक्शन से पृथ्वी के वायुमंडल जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन को सूर्य की गतिविधि के बारे में अधिक जानने में मदद करने की उम्मीद है, मतलब जो आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा भेजा जा रहा है तो उम्मीद ऐसी है कि भाई वो बहुत सारी जानकारी जो है ना बाहर मतलब हम लोगों तक भेजेगा। यह मिशन हमें सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरचना और गतिशीलता, सौर प्लेयर्स और उसकी उत्पत्ति विकास, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझने में मदद करेगा। जितनी भी इसकी मतलब उत्पत्ति कब हुई, इसकी एक्टिविटीज क्या होती है और उसका विकास, सौर गतिविधि और जो भी कुछ और जो भी हो सकता है वो सारी जानकारी ये भेजेगा इसरो तक। फिर है देखिए, ये हमारे पास में पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है जिसको अपन लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है, L1 L2 L3 L4 L5 ये 5 पॉइंट है। इसमें से ये देखिए, ये L1 और L2 के बीच में क्या है, पृथ्वी है, तो यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो यहां तक जाएगा मतलब है ना, बहुत पास तो नहीं जा सकता क्योंकि सूर्य के पास कोई भी वस्तु या किसी को भी लेके जाना संभव नहीं है, तो यहीं तक जाएगा लगभग, वो ज्यादा जो है पृथ्वी के पास में ही रहेगा। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि ये जितने भी L1 L2 L3 ऐसे पॉइंट मतलब अंतरिक्ष में है कि जहां पर कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो वो स्थिर अवस्था में होती है, तो ऐसा एक पॉइंट है। और यही वाला पॉइंट लेने का रीजन क्या था कि पृथ्वी के पास में है, जहां से ये क्या होता है कि
जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, उसके उससे मतलब कनेक्टेड रहेगा, ताकि जैसे जैसे ये एक्टिविटीज हो पृथ्वी मतलब घूमती सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये भी वहां से मतलब स्थिरता से घूम सके और उसपे के बारे में रिसर्च कर सके सूर्य के बारे में, ना आदित्य एल1 मिशन। ठीक, तो यहां से इसीलिए इसको भेजा जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए ये हो गया हमारे पास में सूर्य, मतलब ये सॉरी क्या है पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा है, और ये L2 पॉइंट है L1 पॉइंट। L2 पॉइंट पर भी एक हमारे पास में क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर भी रखा गया है, जो क्या करता है कि जितने भी सारे ग्रह है उनपे नजर रखता है, कहां पर है L2 पॉइंट पर, जिसको क्या बोला जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप बोला जाता है। ठीक, और अभी किस पे मतलब भेजा जा रहा है मतलब L1 पर, L1 जो पॉइंट है वहां पर आदित्य L1 जो रॉकेट है वो भिजवाया जा रहा है। ठीक, और यहां पर मतलब देखिए यहां से लेके इतने में है वो पॉइंट, मतलब यहां तक हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यहां पर पहले से एक और सैटेलाइट है ना, जिसका नाम क्या है सोहो, क्या नाम है उसका सोहो नाम है, जो कि नासा और यूरोपीय एजेंसी के द्वारा इसको भेजा गया, जो भी सेम प्रोसेस है उसकी, जो आदित्य L1 का टारगेट है वही सोहो का भी टारगेट है, तो वो भी जानकारी एकत्रित करके जो नासा और यूरोपीय एजेंसी वहां तक भिजवाता है, तो सेम टारगेट किसका है आदित्य L1 का भी है ना। ठीक, तो उसका नाम क्या है सोहो, और हमारे यहाँ भारत मतलब यहां से जो भेजा जा रहा है वो क्या है आदित्य L1 मिशन। अब ये देखिए ये देखे रखा है सोहो जो है आपको ये दिख रहा है ये वाला है, और जो हम लोग भारत से आदित्य L1 भेज रहे हो यहाँ पे मतलब जाएगा, तो ये टोटल आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये इतना L1 पॉइंट का पूरा सेंटर कहलाता है, जहां पर कोई भी वस्तु रखी जाए तो स्थिर अवस्था में होती है विदाउट फ्यूल, है ना, 365 डेज जो है वर्क करेगा और टोटल मतलब 24/7 नजर रखेगा उस पर। एक तो इसीलिए L1 पॉइंट सेलेक्ट किया गया ताकि उसको कुछ फ्यूल वगैरह या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जाएगा कैसे देखिए, ये देखे रखा है हमारे पास में उसका जानने का कि अर्थ से निकलेगा तो ये किस प्रकार से जाएगा, तो ये रहेगा उसका मतलब ये ऐसा सर्कल बने हैं, मतलब जैसा सेम चंद्रमा चंद्रयान 3 जो भेजा गया था, चंद्रयान 3 इस प्रकार से गया था अपना, है ना, देखिए यहां से ये इस प्रकार से था अपना, है ना, क्या आ जाएगा ये छोटे छोटे राउंड मतलब बड़े हो गए होते गए राउंड बड़े होते गए, धीरे से जो है पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में एंट्री लेते हुए और धीरे 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 छोटे राउंड करते हुए अंदर चला गया, तो ये तो अंदर गया, पर सूर्य के साथ में क्या होगा यहाँ पर सिर्फ कुछ दूरी तक जाएगा, कहां तक जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से जाएगा L1 पॉइंट तक, है ना, सूर्य तो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां तक जाना तो संभव नहीं, तो सिर्फ L1 पॉइंट तक इसको भेजा जाएगा। और ये जाने की प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, देखिए ये ऐसा सेम जैसे चंद्रयान 3 गया था वैसे ही जाएगा, और यहाँ पे भी राउंड लेते हुए छोटे राउंड करते हुए देखिए दिख रहा आपको, है ना, ये यदि पहुंचता है सफलतापूर्वक पहुंचता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इसरो के लिए भारत के लिए, और ये पहुंच जाएगा तो इस प्रकार से जाके L1 पॉइंट पर स्थिर हो जाएगा, जो कि 365 दिन बोल दो या लगभग 2-3-4 साल तक का इसका टारगेट है, तो वो वहां से जो है हमको रिसर्च मतलब सूर्य की स्टडी करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन इसरो तक भेजेगा। ठीक, चलिए फिर क्या है अगला हमारे पास में, अगला देख रखा है कि इसके साथ क्या क्या लेके जाया जाएगा। आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरणों को साथ में लेके जाएगा, 7 ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसको आदित्य L1 लेके जाएगा। ठीक, 7 अलग अलग है, जिसमें से जो 4 रहेंगे मतलब इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे वो सन को स्टडी करेंगे, सूर्य का अध्ययन करेंगे 4 जो रहेंगे, और जो 3 पॉइंट रहेंगे वो L1 पॉइंट को देखेंगे, मतलब उसके बारे में वहां पर देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज होती है, है ना, और मतलब वो कुछ ऐसा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब जो आदित्य L1 है उसको, तो वहां पर जो जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसको वो देखेगा, बाकी जो 4 उपकरण रहेंगे वो सूर्य का अध्ययन करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती है वो जो है इसरो तक भेजेगी, है ना। तो यदि ये मतलब सफलतापूर्वक यदि ये पहुंचता है L1 पॉइंट तक, तो हमारे लिए भारत देश के लिए इसरो के लिए एक मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और वहां से बहुत सारी जानकारी जो है भारत मतलब हम लोगों तक पहुंचेगी। ठीक,